हाय गाइस, दिस इज़ नेहा एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग में। सो गाइस, दिस इज़ अ न्यू चैनल और ये मेरी इस चैनल में पहली वीडियो है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी सिलिकॉन टीथर के बारे में। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एक न्यू मॉम हूँ एंड मेरी बेबी अभी 5th month की है। सो उसके गम्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, सोर गम्स होते हैं। तो मैं जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रही हूँ उसी के लिए मैं और बाकी की न्यू मॉम्स को बताना चाहती हूँ सिलिकॉन टीथर के बारे में। ये FDA अप्रूव्ड है, हीट रेजिस्टेंट है और ये बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है। हम बॉइल वाटर करेंगे एंड इसे वॉश कर देंगे थॉरली। एंड ये देखिए कितना सॉफ्ट है, इससे कहीं पे भी बच्चे की चोट नहीं लग सकती है, ना ही गम्स में, ना ही चीक्स में। हो सकता है बच्चा ऐसे ऐसे अपने मारे तो भी ये इससे चोट नहीं लग सकती है। तो ये सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छा है। एंड ये इस केस में आया है, देखिए हम यूज़ करने के बाद इसे वॉश करके ऐसे ही संभाल भी सकते हैं। तो है ना, ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन। गाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि इसे यूज़ कब से करना चाहिए। तो देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जिनके गम्स सोर होने 5 month से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में ये पहले ही हो जाता है, लाइक 3 month स्टार्टिंग से। तो जो हमारे सिलिकॉन टीथर है ये हम 3 month प्लस में ही दे सकते हैं। ये 3 month के बच्चे के लिए भी बिल्कुल सेफ है। सो गाइज, अगर आप ये अमेजिंग टीथर खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड अगर आपको सिलिकॉन टीथर या सिलिकॉन से बने हुए टीथर्स के बारे में कोई भी जानकारी या इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड यहीं पे हमारी ये फर्स्ट वीडियो ख़त्म होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।